हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड की आगामी परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं, 8वीं से लेकर 12वीं तक के हैं, तो आप सभी के लिए एक न्यू अपडेट है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, आप लोग एग्जाम्स का तो अनाउंसमेंट होने वाला है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जैक बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और आप लोगों का अब एग्जाम्स को लेकर निर्णय भी लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका स्कूल कॉलेज नहीं खुलता है, ठीक है, स्कूल कॉलेज ऐसे ही बंद रहता, तो क्या आपका एग्जाम्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपके स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर श्री जगन्नाथ महतो यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने क्या कहा है, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले उस वीडियो को, क्लिप को देख लें, उसमें उन्होंने क्या कहा है, पहले सुनिए। शिक्षा वगैरह के लिए क्या सर, कोविड में स्कूल कॉलेज सब बंद है? हम लोग आज ही आपका चेक का अध्यक्ष सचिव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुल से सम्मान लिए, परीक्षा समय पर होगा। बहुत 31 तारीख के पहले विचार ले। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के क्लिप में कि झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का कहना है, उनका द्वारा जो ये बयान जारी हुआ है कि आपके बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, साथ ही आपके स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी विचार किया जाएगा, उस पर भी निर्णय आने वाली है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि आपके स्कूल कॉलेज भी खुलने वाले हैं, साथ ही आपके एग्जाम भी कंडक्ट होंगे। और आपको बता दूँ, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो पता चल रहा है कि फरवरी के लास्ट तक में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराने की यह संभावना है। पहले जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का एग्जाम्स होगा, उसके बाद जो है 8वीं 9वीं 11वीं वालों का बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। और आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न होगा वही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेमेस्टर जो आप लोगों का टर्म 1 है और टर्म 2 है, दोनों का सिलेबस मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। जो कि पहला जो सिलेबस था आपका, जो 75% का जो आधा सिलेबस टर्म 1 का है, वही सिलेबस आप लोगों का रहेगा और पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। 40 क्वेश्चन देंगे और 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक नंबरिया रहेगा और मार्कशीट पर आप लोगों का एग्जाम से लिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो है मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा।